दोस्तों आज एक राजपत्र जारी हुआ है और काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि जो शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 के लिए है वो जो अधिकतम आयु सीमा है उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार। दोस्तों यदि आप एक साथ नहीं हुए, एकत्रित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए तो वर्ग 3 की जो परीक्षा है दोस्तों ध्यान रखिएगा वहां पर आपकी जो आयु है वो 35 साल या फिर 32 साल कर दी जाएगी। अब दोस्तों कई लोग आपको भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे कि जो शिक्षक वर्ग 1-2 है उसमें भी ये आयु सीमा लागू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आगामी परीक्षाएं जो भी आएंगी उसमें ये आयु सीमा नई निर्धारित की जाएगी जो कि 35 साल। अभी जो 20 तारीख का राजपत्र जारी किया गया था उसमें 35 ईयर्स कर दी गई है सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु। तो दोस्तों आप लोग अगर अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब सारी जो न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु है वो कम कर दी जाएगी। वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए हम बहुत सारी जानकारी यहां पर देने वाले हैं, सारी भ्रांतियां खत्म करने वाले हैं, लेकिन आप लोग ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। अभी तो ये आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए जारी किया गया है, बहुत जल्द दोस्तों ये शिक्षा विभाग के लिए भी जारी कर दिया जाएगा। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, शिक्षण संवर्ग के लिए ये नियम जारी किए गए हैं। तो डोंट वरी, अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों शेयर करेंगे तभी लोगों को टेंशन खत्म होगा। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ हैं, पूरा MP आपके साथ है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दीप सिंह एकेडमी में। दोस्तों 24 जून 2019 को एक नया राजपत्र जारी हुआ है, इसमें प्राथमिक शिक्षा यानी दोस्तों वर्ग 3 के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं जिसमें आयु को लेकर भी है, उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी है। और दोस्तों ये जो गजिस्ट्रेट पत्र जो अभी नया लिखना है राजपत्र, वो दोस्तों आपके लिए पिछला जो आपका 18 फरवरी, जी हाँ दोस्तों 18 फरवरी को जो राजपत्र निकला था, प्रकाशित हुआ था 2019 को, उसके संशोधन यहाँ पर करा गया है। संशोधन में आपको 3 कॉलम है, एक है आपका कॉलम ना बोल के इसको आप रो बोलेंगे, 3, 1, 2 और 3, इसके अनुसार जो कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने ये वीडियो डाल दिया है कि वर्ग 3 में आपकी जो आयु सीमा है वो पुरानी वाली ही लागू होगी, या जो पुरानी वाले वर्ग 1, वर्ग 2 हो चुकी है उसमें नई वाली आयु सीमा लागू होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, अंत तक देखें, पहले प्रॉपर तरीके से समझें कि आखिर राजपत्र किस लिए है, और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक दोस्तों हम लोग हैं आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें दीप सिंह एकेडमी, सबसे अधिक भरोसेमंद चैनल, MP का नंबर 1 भरोसेमंद चैनल है, और दोस्तों इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी टाइम पर मिलती रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर जो भी 29 तारीख को आयु संबंधी जो कि आयु कम कर दी गई है और शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर जो बड़ा आंदोलन किया जाने वाला है उसको आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं 29 जून 2019 भोपाल के शाहजहानी पार्क में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं यहां पर इस राजपत्र में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, आपको देख सकते हैं, पहले इंग्लिश में आपको बता देता हूं, यहां पर जो जारी हुआ है उसमें कॉलम 1 फॉर सीरियल नंबर 1, 2 और 3 एंट्रीज। तो दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर जो पिछला, अब देखो कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि पिछले बार ऐसा क्या था जो इस बार नया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम मिलेंगे और 3 रो मिलेंगी आपको, सॉरी 3 कॉलम नहीं, 6 कॉलम है, उच्च माध्यमिक शिक्षक और उसके बाद आपको प्राथमिक शिक्षक जो थर्ड है, ये नया आपका एड यहाँ पर हो गया है। लेकिन पुराना वाला अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उसमें मात्र उच्च माध्यमिक शिक्षक था, उसके बाद कॉलम आपका खाली था। एक तो दोस्तों आपको समस्या यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश की बात करें वो माध्यमिक शिक्षक था, लेकिन प्राथमिक शिक्षक के लिए रूल यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की दोस्तों भर्ती आने की संभावना यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और देखेंगे यहाँ पर आराम से। तो पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक, तो देखिए वर्ग 3 के लिए क्या नियम होने चाहिए वो यहां पर दिए गए हैं, तो आपको मैं आपको बता देते हैं जो संशोधन हुआ है नया वाला। प्राथमिक शिक्षक 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु को दोस्तों तदेव लिखा है। तदेव अगर आप पढ़ना चाहें तो तदेव का मतलब यहां पर है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो 5वां और 6वां कॉलम है उसमें शैक्षणिक अर्हता लिखी हुई है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें यहाँ पर तो कम से कम 150 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उससे कम समकक्ष प्राथमिक शिक्षा और 2 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक तथा स्नातक शिक्षक BEd जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
स्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है वो, और उस पर कक्षा एक और पांच तक पढ़ने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये चीज पढ़ी है ना आपको, एक या पांच तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा लिखा है, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 वर्षों का सेतु ब्रिज पाठ्यक्रम कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। दोस्तों यहां पर देखिए जिन्होंने बीएड कर लिया है ना वो बीएड वाले भी अगर 2 साल के अंदर ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो कंप्लीट रहेंगे, या फिर जिन्होंने दोस्तों ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं किया है उनको बाहर भी किया जा सकता है। तो बात की बात है, बट सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि नया जो एड हुआ है ये 18 तारीख का आप देखेंगे 18 फरवरी का वो जो दिया हुआ है 18 फरवरी का, इसमें प्राथमिक शिक्षा का जिक्र नहीं था, लेकिन आज जो जारी किया गया है इसमें प्राथमिक शिक्षा का जिक्र है, बस इतना ही है इसमें। और दोस्तों पुरानी आयु सीमा लागू होगी, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं नई आयु सीमा लागू हो जाएगी, अभी तक दोस्तों ऐसा कोई जानकारी नहीं आई है। अगर ऐसा आता है दोस्तों, लेकिन अगर आप घर बैठे रहेंगे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल पीवी के लिए और 35 साल यहाँ पर इनके लिए कर दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों आपको आना है और इसके लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपके लिए हम समय पर टाइम टाइम पर खबर देते रहेंगे, किसी भ्रामक जानकारी में भी बिल्कुल ना आए। दोस्तों इसके वीडियो में शाम को 8-9 बजे तक जारी करूंगा क्योंकि आज हमारे भवन कुआं पर मीटिंग है परसों के लिए, मैं वहां मिलने जा रहा हूं, उसके बाद शाम को 9 बजे डिटेल में क्लियर करूंगा कि आखिर राजपत्र में क्या कहा गया है। और इस जल्दबाजी में दोस्तों बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको पॉजिटिविटी के साथ भर देंगे और डोंट वरी आपकी उम्र को वापस से 40 साल और 42 साल करके 45 साल हम करके ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वीडियो शेयर करें लोगों तक पहुंचाएं, जय हिंद जय भारत।